बेटा के मजरा झवरा पुरवा में हूँ और इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चार बिस्वे का एक छोटा सा खेत है, लेकिन यहाँ का जो इस खेत के मालिक हैं किसान, उन्होंने बहुत यहाँ पर अकलमंदी से यहाँ पर फसल कर रखी है। एक तो पपीता के पेड़ देखिए आप, पपीता ये लगे हुए हैं, ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर लहसुन देख रहे हैं आप हैं, बाकला की छियाँ उधर लगा रखी है, और भी थोड़ा बहुत यहाँ पर खेती बाड़ी कर रखी है। उधर घुइयाँ हुई थी तो उसकी घुइयाँ की जो और जो जड़ें हैं मूठे होती हैं वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं। हम इनके किसान हैं, इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ आइए, क्या नाम आपका है? अशोक कुमार। काफ़ी वैरायटी आपने लगा रखी छोटे से खेत में? हाँ सर, देखा, सर्च किया था, मतलब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, कितना लाभ मिलता है। काहे से सर्च किया था? ये मोबाइल से। तो मोबाइल ज्ञान से ये सब किया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोबाइल से देख के किया है। अच्छा, जो पपीता की खेती पहली बार किया आपने? हाँ पहली बार किया। तो ये मोबाइल से जानकारी इसकी सब ली होगी? जी जी। फिर बीज लाए? जी। अच्छा, ये कितने, मतलब कितना फल दे चुका है ये? ये फल इसमें जो है इसकी पूरी उपज जो है 1 क्विंटल 20 किलो की उन्होंने बताई थी। अच्छा, एक पौधा 1 क्विंटल 20 किलो। अच्छा, इसमें लागत क्या अभी तक आई है? लागत इसमें सर दवा में ज़्यादा आ जाती है जी। बाकी इसमें पानी बहुत कम लगता है और DAP खाद इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो लागत से मुनाफा कितना हुआ लगभग? लागत नहीं, मुनाफा तो हो नहीं पाया क्योंकि फसल खराब हो गई थी। अच्छा, हाँ पानी ये, लेकिन लागत निकल आएगी? हाँ लागत निकल आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत मुनाफा हाँ, हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। कितने पौधे लगाए थे आपने? यहाँ पे हमने 48 पौधे लगाए थे। उसमें कुछ खराब भी हो गए थे? खराब भी हो गए थे बरसात की वजह से। हाँ, और बाकी जो है इस समय 35-40 पौधे करीब है। अच्छा, तो ये फसल एक बार आप बेच चुके हो? हाँ बेच चुके हैं। कितनी बार? ये एक बार मंडी से बेची तो 15 रुपये KG गया था जी। अच्छा, तो अब ये कितने दिन में तैयार होगी? अब ये गर्मी शुरू हुई है, 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये छोटे वाले हैं ये बड़े हो जाएंगे और बाकी जो बड़े हैं ये पक जाएंगे? हाँ, फूल भी आने लगेगा। फूल भी? तो ये इस फसल के बाद इसका ये बदल दोगे आप? हाँ, ये बदल के फिर 786 फिर लाएंगे। तो इस बार क्या क्या यहाँ पर आपने अपने खेत में, छोटा सा खेत है, आपने क्या क्या बोया था? इसमें जो है उधर जो घुइयाँ थी, अरबी जिसे बोलते हैं जी, लहसुन है जी, और इधर जो है ये बाकला के अलावा ऐसे साग सब्जी के लिए बहुत। अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या है? पानी की व्यवस्था ये समर लगा हुआ है। समर लगा रखा जी है? छोटा सा समर लगा दिया है। अच्छा, इंडिया मार्ग का हैंड पंप लगा हुआ है उसमें। तो आपके पास इतना ही खेत है कि नहीं? बाकी खेत बड़े बड़े हैं, इनमें गेहूं करते हैं। गेहूं जी, गांव के पास आपके घर के पास ये खेत है? तो ये मतलब फसल तो इसमें जो है हमें मिल नहीं पाएगा, इसकी देख रेख ज्यादा करनी पड़ेगी, इसीलिए गांव के किनारे तो देखते रहते बराबर। ये जगह भी आपकी पड़ी है उधर वाली? वो जो हमारे दाव की लड़की की है। अच्छा, तो देखिए कितने बढ़िया ये फसल आई है, और कहीं ना कहीं इन्होंने चार बिस्वा में ये पपीते के पेड़ भी लगाना, लहसुन और बाकला और घुइयाँ सब बोना, तो बहुत अच्छा है। और बता रहे हैं इस बार क्योंकि ये जो वैरायटी पपीते की थी ये बहुत अच्छी नहीं निकली, उसकी वजह से फसल उतनी अच्छी नहीं आई। प्रॉफिट, हालांकि जो खर्चा है वो तो निकल आएगा, कुछ प्रॉफिट भी निकल आएगा, लेकिन जो ये सोच रखे थे वो प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। वो बताया कि ये अब बदल देंगे, इस दूसरी ये जो पौध है वो लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि जो ग्रामीण का जो हैं वो मोबाइल यानी कि जो गूगल से बहुत जानकारी ले रहे हैं, बहुत काम का हो रहा है। तो क्योंकि गांव-गांव मोबाइल हो गए हैं, नेटवर्क खूब आ रहा है और बहुत फास्ट चलता है, तो ये लोग मोबाइल ज्ञान से ही, ये देखिए इन्होंने मोबाइल में देखा और इन्होंने जब देखा कि पपीता का पेड़ लगाया जा सकता है, अच्छी उसकी अर्निंग हो सकती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत करी और लगाई। कुल मिला के परिणाम पहला टर्न था, लेकिन उनको परिणाम अगर ख़राब नहीं, मतलब बेहतर नहीं तो ख़राब भी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। कुल मिला के अब हिम्मत इतनी है कि लगाओगे अगली बार? फिर लगाएंगे, बढ़ा के लगाएंगे। तो मैं हरदोई छबरापुरवा से सुधांशु मिश्र।